नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अमित आर्यवर्त में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी अजीब लगता है इन्हें देख कर कि दुनिया में सिर्फ अपना ये आर्यवर्त, ये प्यारी भारत भूमि ऐसी है जहाँ पर सेकुलर नाम का प्राणी रहता है। काफ़ी दुख होता है ये कहते हुए कि सेकुलर नाम का प्राणी सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। दोस्तों, यह हकीकत है, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हिंदू है वो उतना ही बड़ा सेकुलर बनने का प्रयास करता है। बचपन से ही उसके मन में डाल दिया जाता है कि डाला भी किस चीज़ के द्वारा जाता है, स्कूलों के द्वारा, जो आज की मैकाले की शिक्षा पद्धति है आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देखते ही हैं, आजकल की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, सबका एक ही चक्कर है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी नौकरी पाना या फिर कोई अच्छी लड़की फंसाना। इस तरीके की सोच है लोगों की, जो आजकल की युवा पीढ़ी है। काफ़ी कम है ऐसे जो बचे हुए हैं चीज़ों से। आखिर दोस्तों, इसके बाद में क्या, माँ बाप को भूल जाते हैं, लड़का लड़की के चक्कर में, लड़की लड़के के चक्कर में, बस इतना ही। इसके आगे क्या, ना तो उनके लिए देश कुछ मायने रखता है, ना माँ बाप मायने रखते हैं, और धर्म के बारे में तो भूल ही जाइए। आखिर हम ऐसा करें क्या जिससे कि हम अपने बच्चों को ऐसी गलत संगत में सेकुलर बनने से बचा सकें। हम उन्हें ऐसी कैसी शिक्षा दें जबकि आज के समय में गुरुकुल भी नहीं जा सकते। फिर हम ऐसा क्या करें कि अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो सेकुलर ना बनने पाए और आगे चलकर किसी मुसलमान या ईसाई के द्वारा बहकाए भी ना जा सकें, बल्कि यदि वो मुसलमान और ईसाई कुछ कहें तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकें आपके बच्चे। दोस्तों, शुरुआत हमें बचपन से करनी पड़ेगी, जन्म से ही। एक तो आपको अपने अंदर बदलाव करना होगा, आपको रोज अपने धर्म के बारे में जानना होगा, आपको अपने वेदों के बारे में जानना होगा, और जो सच है वो जानना होगा। अब दोस्तों, आप यदि अपने बच्चों को सही नहीं बता पाते तो बड़े होते हैं जब उनको कोई कहता है कि शिव ने अपने लड़के का गर्दन काट दी और ऊपर से गणेश का यानी कि हाथी का सर लगा दिया। अब दोस्तों, ये भला कैसे संभव है? इस तरीके का सवाल जब पढ़े लिखे युवा सुनते हैं, पढ़े लिखे हिंदू युवा सुनते हैं, तो उनके मन में सवाल आता है कि हमारा धर्म झूठा है, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि धर्म है क्या। वो तो सिर्फ पुराणों की काल्पनिक कहानियों को धर्म मान बैठते हैं, जिस पर हथौड़ा चलाने का काम करते हैं मुसलमान, ईसाई या फिर इस देश के मूल निवासी, जो अपने को कहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। वो समझ ही गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, नए नए बोध, ठीक है ना दोस्तों। तो करा क्या जाए, करा ये जाए कि गायत्री मंत्र, बचपन से ही अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का पाठ शुरू करवाइए। आप बोलना शुरू करिए, बच्चों को आपस में बिठाइए, खास तौर से जो पति पत्नी हैं दोनों को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, तभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। आपको अपने बच्चों को बताना है कि वेद कितने हैं और जो असली शिक्षा है वो वेदों में है। आपको अपने बच्चों को ये बताना है कि वेदों में क्या है, वेदों के अंदर कोई प्रोपगंडा नहीं है, वेदों के अंदर आयुर्वेद है दोस्तों, वेदों के अंदर टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वेदों के अंदर ईश्वर की उपासना है, वेदों के अंदर वो सब कुछ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। आप कुरान को खोलकर देख लीजिए, बाइबल को खोलकर देख लीजिए, उसके अंदर आपको साइंस टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र नहीं होगा। हाँ, बातों बातों में कुरान वाले या फिर बाइबल वाले ये जरूर कह देंगे कि देखो हमारे अल्लाह ने या यीशु ने ऐसा कह दिया है, ब्लैक होल है, ये है, वो है, लेकिन वो कोई भी ऐसा उसके अंदर वर्माण नहीं दे पाएंगे कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है। लेकिन हमारे वेदों में ऐसे अनेकों मंत्र भरे पड़े हैं जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में है। दोस्तों, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश है वो पढ़िए, और हाँ, भारद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र लिखा था, वो अपने बच्चों को बताइए कि ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, और जो रिसर्च हो रही है आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा हैदराबाद में कैसे रिसर्च की गई है विमान शास्त्र पर, उसको सच सिद्ध करने के लिए। दोस्तों, बिल्कुल आसान है, यदि आप चाहें तो अपने बच्चों को अच्छी दिशा, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इस देश को, इस देश की संस्कृति को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, जो माँ होती है ना,
यदि मान लीजिए पिता बिगड़ा हुआ है लेकिन माँ यदि सही है तो वो किसी को भी राम और कृष्ण बना सकती है, झांसी की रानी बना सकती है, और तो छोड़िए महाराणा प्रताप और शिवाजी बना सकती है। लेकिन अफसोस कि आज की माँ ऐसी नहीं है, तभी तो आज कोई महाराणा प्रताप या शिवाजी नहीं आता। राम और कृष्ण के लिए तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान विदुषी महिला चाहिए। दोस्तों आप विचार कीजिए, हम बच्चों को पैदा किए जा रहे हैं लेकिन उनको धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या इससे बड़ा पाप और कुछ होगा? क्या ये गलत नहीं है? हम क्या अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? हम खुद उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, बदले में उनको फुसलाने का काम करती है आज की मैकाले शिक्षा पद्धति और आज का पढ़ाया जाने वाला गलत इतिहास, जिसमें अकबर और सिकंदर जैसे लुटेरों को महान बता दिया जाता है। अकबर कभी महाराणा प्रताप को जीत नहीं पाया, ना कभी आमने सामने लड़ पाया। सिकंदर जो भारत में आकर मारा गया, ओरस ने जिसको हराया, लेकिन शिक्षा क्या दी जाती है कि सिकंदर ने पोरस को हराया। अरे भाई, सिकंदर जैसा दुष्ट व्यक्ति जो अपने भाइयों का कत्ल कर दे, अपने सगे संबंधियों का कत्ल कर दे, वो पोरस को हराकर उसको जिंदा कैसे छोड़ देता? दोस्तों विचार करने वाली बातें हैं। सिकंदर हरा था, पोरस जीता था। दोस्तों मैं फिर से यही कहूँगा, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दीजिए, वेदों की जानकारी दीजिए, खुद सत्यात प्रकाश पुस्तक पढ़िए, तब आप जान पाएंगे कि क्या है हमारा धर्म। क्योंकि वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन सत्यात प्रकाश तो हर कोई पढ़ सकता है ना, उसके अंदर पूरा सार है, सब कुछ है। आप पढ़िए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ में उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए सोशल मीडिया पर, ताकि औरों को पता चले। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जो दबाया कीजिए दोस्तों, तभी आप मैंने ये वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।